अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला है, लैक्टिक एसिड इज मॉलिक्यूल्स, लैक्टिक एसिड इज मॉलिक्यूल विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, तो इन चारों में से कौन सा शो करता है लैक्टिक एसिड। तो उससे पहले लैक्टिक एसिड का हम लोग डायग्राम सॉरी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सी एच ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच, तो ये लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है। लैक्टिक एसिड अच्छा अगर कोई ये वैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, इसको चेक करने के लिए हम चेक कर सकते हैं इसमें क्या कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है यही वाला जो मेन कार्बन है जुड़ा हुआ यही क्या है, कार्बन कायरल कार्बन है। यहाँ कायरल कार्बन क्या होता है, जिसके चारों बॉन्ड डिफरेंट एटम से जुड़े हों या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल से जुड़े हों। तो यहां देखेंगे पहले में एच जुड़ा हुआ है, दूसरे में ओ एच, तीसरे में सी डबल बॉन्ड ओ एच, चौथे में सी एच थ्री। तो यहाँ ये कार्बन कायरल कार्बन प्रेजेंट है। अगर ये कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ये मिरर इमेज बना देते हैं वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हुआ एच, साफ साफ दिख रहा है ये मिरर इमेज बना रहा है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसका आंसर होगा ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ कायरल कार्बन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला है, मिथेनॉल इज नोन एज रबिंग अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल, वुड अल्कोहल। तो इन चार में से कौन से अल्कोहल्स को मिथेनॉल मतलब मिथेनॉल को और क्या कहा जाता है, इन चारों में से क्या नाम है उसके। और तो उससे पहले हम जानने से मिथेनॉल क्या कहते हैं, इससे सबसे पहले सबको जान लेते हैं रबिंग अल्कोहल किससे बनता है, फिर क्या होता है, ग्रेन अल्कोहल का दूसरा नाम क्या होता है, डीनेचर्ड का, वुड का। सबसे पहले देखते हैं रबिंग अल्कोहल का क्या होता है। रबिंग अल्कोहल का नाम होता है आइसो टोप्रो पाइल अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल इथेनॉल होता है, ये इथेनॉल होता है। अच्छा ये बनता कैसे है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन्स, इसका एक सही एग्जांपल है आज जो इंडिया में सैनिटाइजर्स बन रहे हैं वो ग्रेन अल्कोहल की हेल्प से बन रहे हैं। ऑर्डिनरी इथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल होता है। अब वुड अल्कोहल क्या होता है, ये ऑर्डिनरी इथाइल अल्कोहल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये अनफिट टू ड्रिंक होता है, मतलब ये इथाइल अल्कोहल तो होता है पर ये ड्रिंक पर्पस के लिए नहीं होता है, डीनेचर्ड अल्कोहल। वुड अल्कोहल क्या होता है, अच्छा इसमें सब लोग कौन थोड़े थे मिथाइल अल्कोहल अभी तक तो मिला नहीं, तो सिंपल सी बात है यही होगा मिथेनॉल। तो ये मिथेनॉल क्या होता है, वुड अल्कोहल को मिथेनॉल बोलते हैं। तो ये चारों है, चारों याद होने चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक, तो इसमें से सबसे कम बेसिक प्रॉपर्टी कौन, बेसिक प्रॉपर्टी कौन शो करेगा। तो यहां पे देखते हैं, यहां पे सिंपल से इसका ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी जो सबसे कम बेसिक प्रॉपर्टी जो शो करता है वो ये होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेंजीन इन NH2। यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कभी कमी नहीं होती तो SH आयन को इजिली रिलीज कर देता है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा मतलब सबसे कम बेसिक होगा। तो यहाँ पे लीस्ट बेसिक पूछा है तो यही आंसर होगा। इसके बाद इससे थोड़ा ज्यादा बेसिक कौन होगा, इसके बाद लीस्ट बेसिक में कौन आएगा मतलब इससे थोड़ा ज्यादा, तो उसके बाद आएगा ये, फिर आएगा ये, फिर आएगा ये। तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा ये वाला और सबसे कम बेसिक होगा ये वाला, इसका आंसर है फोर्थ। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 50। क्वेश्चन 50 में क्या बोला है, द एन एटम इन पाइरिडीन इज इतना हाइब्रिडाइज, मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है, sp2 होता है, sp होता है, या फिर कैन नॉट प्रिडिक्ट, मतलब प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। सबसे पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये क्या होता है पैरिडीन होता है। तो पैरिडीन में काउंट कर लेते हैं एन आइटम पे कितने, अच्छा किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना दो तरीका होता है, बताया थे जेड इज इक्वल टू हाफ, यहां पे जब दो आयनिक आइटम हो उसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना तरीका क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ
मोनोवेलेंट एटम माइनस कैटायनिक चार्ज प्लस एन आयनिक चार्ज। तो उन क्वेश्चन में जब यहां पे कैटायन एन मिलके एक कंपाउंड बना, पर यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे पूरा एक कोवेलेंट बॉन्ड है यहां पे, तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम लोग यूज करते हैं क्या, स्टेरिक कोवेलेंट बॉन्ड को ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या होता है, एक और फॉर्मूला होता है, तरीका होता है एरर से निकालने का, वो होता है स्टेरिक नंबर फाइंड करना। स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो किसी भी एटम में निकालते स्टेरिक नंबर निकालते हैं, स्टेरिक नंबर कैसे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो यहां देखते हैं सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई, एक सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा होता है। तो यहां एक सिग्मा, वन सिग्मा, यहां से वन सिग्मा, और यहां से एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। ओवरऑल नंबर कितना है, थ्री। तो थ्री नंबर से क्या लिख सकते हैं हम लोग, एस पी टू। स्टेरिक नंबर थ्री है तो एस पी टू, स्टेरिक नंबर अगर फोर होता तो एस पी थ्री। तो यहां पे क्या आया, थ्री आया, तो थ्री वाले का क्या आंसर होगा, थर्ड वाला। इसके लिए थर्ड वाला पैरिडीन में एन का रिलेशन sp2 होता है।